नमस्कार एबीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। किंग खान इस समय अपनी लेटेस्ट रिलीज हुई मूवी पठान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जो हर दिन बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। लगातार फिल्म के प्रदर्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में फिल्म रिलीज के पांचवें दिन नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। गौरतलब है कि शाहरुख खान की इस साल की ये पहली फिल्म है जिसे दर्शकों की तरफ से जबरदस्त रिएक्शन और प्यार मिल रहा है। वहीं आने वाले दिनों में शाहरुख खान तीन और फिल्मों में दिखने वाले हैं। ऐसे में तमाम फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि जब पहली फिल्म इतना कमाल दिखा रही है तो उनकी बाकी की फिल्म जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है। हालिया रिलीज पठान के बाद आने वाले दिनों में फिल्म जवान में शाहरुख खान दिखने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस लिस्ट में टाइगर 3 का नाम भी शामिल है, हालांकि इस फिल्म में वो लीड रोल में नहीं होंगे। वहीं इसके अलावा राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बन रही फिल्म डंकी में शाहरुख खान नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डंकी 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हो जाएगी। वहीं फैंस को किंग खान की इन सभी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। तो ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।